राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। शक्ल तो इतनी, खुद ही अपनी शक्ल देखने में गंदी लग रही है। और आज इतनी प्यारी धूप निकली है, और मैंने आज पता क्या किया, सारे कपड़े मैंने फ्रंट की बालकनी में डाल दिए। तो प्रदीप कह रहे हैं, ये देखो तुमने घर का क्या बना दिया। बट भाई, कपड़े सूखने इम्पोर्टेंट है, घर तो अपना ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। मेन है कि धूप में कपड़े सूख जाए, क्योंकि ये देखो ये इनका टोपा, ये अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। कपड़े ही कपड़े, कपड़े कपड़े, कपड़े कपड़े, कपड़े कपड़े। अब आप लोग बताओ, मैंने बाहर कपड़े सुखा के कोई गलत काम किया है क्या? पतिदेव बोले जा रहे हैं बाहर कपड़े सुखा दिए। भाई साहब, जब कपड़े सूखते नहीं है तब भी तो ये हमें ही बोलते हैं, बोलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कपड़े सूखने चाहिए। थोड़ी देर बकेंगे, मतलब बोलेंगे, फिर अपने आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि मैं सुनने वालों में से तो नहीं हूँ। भाई मेरे लिए है कि पहले मेरे कपड़े सूख जाएं, वो मेरे लिए मैटर करता है। क्योंकि ना फ्रंट में सुखाओ या उसे घर अपनाए, जिसको अच्छे लगे ठीक है, जिसको नहीं भी पड़ोसियों को अच्छे लग रहे तो हमारे कपड़े सुखा के दे दें भाई, जिनको बुरे लग रहा हमारा घर तो दिखने में। वैसे भी कौन किसी से बात तो करता नहीं, या किसी की कौन सी किसी को परवाह। तो भाई साहब, हम तो कपड़े बाहर ही सुखा के मानेंगे। और ये मैं बना रही हूँ पालक के पकौड़े। बेसन है इसमें, मैंने थोड़ा डाल दिया चावल का आटा, इससे ना इतना क्रिस्प बनते हैं। और अजवाइन, मतलब सारे मसाले ऐड कर दिए, सबको पता ही है। और ये बन रहे हैं मेरे पालक के पकौड़े, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, जो खाएगा पर के लिए बनाए। और ये साथ में बन रही है पालक की कढ़ी। सारा काम मतलब ऑलमोस्ट हो गया है मेरा ना, 1:30 का टाइम हो गया है, और मैं करूँगी 1:40 हो रहा है। मैं अपना खाना खाती हूँ, भूख लग रही है, नहाने के बाद तो फिर भूख लगती है बहुत तेज, क्योंकि सुबह भी आज कुछ ऐसा खाया नहीं, चाय के साथ एक ब्रेड ले ली थी, अब लग रही है भूख। मैं दिखाती हूँ मेरे आज खाने में क्या है। आ गया मेरा खाना, दिखाती हूँ मैं। ये है पालक वाली कढ़ी, और मैं कढ़ी सच बताऊँ बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बट आज पालक की तो थोड़ी ले ली है मैंने। ये है मेरी आलू टमाटर की सब्जी, आलू टमाटर मटर की। ये गाजर मूली का अचार है, ये मूली कटी हुई है, गाजर और मिर्ची का अचार है। और ये है एक मक्के की रोटी है ये, और ये है एक, ये निकल रहा है, और ये है बाजरे की रोटी। ये है मेरा आज लंच, आप लोग भी आ जाओ लंच कर लो। हाँ, लो भाई पालक वाली कढ़ी, किसको पसंद है। मैं आज यही खा रही हूँ, वैसे मुझे, मैं कढ़ी बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बट आज खा रही हूँ, अच्छी लग रही है। तो पालक मुझे बहुत पसंद है, तो सोचा खाती हूँ आज मक्की की रोटी, सा अच्छी लग रही है। मूली ऑल टाइम मेरी फेवरेट, मजा आ रहा। और मैं पहुँच गई हूँ ग्राउंड में, दिल्ली आ गए हम लोग। ऐसे दिन ऐसे जा रहा है ना, सुबह फिर भी धूप थी, अब वेदर फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आसमान कितना प्यारा लग रहा है, ब्लू ब्लू ब्लू। आ गया पर्व। हेलो पर्व, कल मैच तो नहीं है? हाँ, मैच है कल। भाई साहब, कल मैच है क्या? हाँ जी। कहाँ पे है वो? है बॉल पार्क। ओ वाह, तो गंदे शूज लेके जा रहा, तेरे को जाते धोने पड़ेंगे। है है, खुश है ना? स्माइल, सुबह मैच है तेरा, चल भाई सुबह फिर ड्यूटी है। मैं आया अकेडमी से, और अकेडमी से आते थे, इसकी नज़र ना इस वाली शॉप पे ना कई दिन से थी, जिसको ना कपड़े पहनने का शौक है ना, शूज का शौक है, जो मेरे पैसे वेस्ट करता है। और आज अभी इसने ये मेरे शूज मेरे पैसे ठंडे करा दिए। अभी बताऊंगी। और घर आके मेरे को ना लड्डू बनाने हैं, तो मैं उसमें लग गई हूँ, तो बस अब मुझे बहुत टाइम हो जाएगा, तब बेबी थोड़ी ढीली सी हो रही है, तो ये लड्डू बनाने में बहुत टाइम लगेगा। सोचो मौसम तो ठंडा तो है, पर फॉग नहीं है, बल्कि दिल्ली में मैच है, और आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी थी। तो मेरी फ्रेंड का बेटा भी जा रहा है आज ना, है अपोजिट टीम में, बट
एक ही जगह मैच है तो वो उसने छुड़वा दिया, मैं पिक करने चली जाऊंगी। तो बस ऐसे ही आज थोड़ा सा हेल्प लिए तो अच्छा लगा मुझे। आज पार्क जा रहा अपने फ्रेंड के साथ, मैच में दिल्ली। ठीक है, जा रहा है, पर मैं बाद में जाऊंगी। बाय बेटा। बाय बच्चे, गॉड ब्लेस यू। चाय बन गई है मेरी, एक बार तो चाय बन गई है। धूपे पत्ती डाल के ना प्रदीप अपर्स को दे दी थी। अब देखो जर्सी जो अब अभी ना बेटा ये मैच के लिए अभी बापू जा रहा है दौड़ना, में कंपटीशन है भाई तगड़ा। अरे वही पहन लेता हूं तगड़ा। आई मीन कि कपड़े नहीं मिल रहे, मिल गए कपड़े, मिल गए। और मैंने ना शाम को आते ही तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी एकदम ना, ठंड लग गई थी, तो फिर मैंने व्लॉग का एंड ही नहीं कर पा रही, तो सुबह ही करूंगी। ना 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 ना। और आज सुबह ही सुबह फोन आ गया था दीदी का, वो नहीं आएंगी। मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है, जब थोड़ी सी थोड़ा सा जरूरत पड़ती है, हाँ हेल्प की, जिस दिन बहुत ज्यादा जरूरत हो ना उसी दिन छुट्टी। ओहो इंसान नंबर कह रहे हैं प्रदीप पति दे, हाँ कि मैं थोड़ी हेल्प कर देता, बट मेरा मैच है, मैं इंडिया के लिए खेलने जा रहा हूँ, इतना इम्पोर्टेंट मैच है। हाँ भाई साहब क्या बोलू, तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। चाय डाल दू, किसमें डालूंगी, पिलाऊंगी चाय, अभी चाय डाल के दे देती हूँ। चलो दोस्तों, एक बार तो पिला चुकी हूँ, दोबारा दे देती हूँ इनको, बन रही है चाय।